हे गाइस, वेलकम बैक टू संजय टेक। 2019 का एंड होने वाला है, बट न्यू ईयर से पहले ही ओप्पो ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। आज लॉन्च हो चुका है ओप्पो रिनो 3 और ओप्पो रिनो 3 प्रो। चाइना में, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुए, बट इंडिया में जनवरी तक लॉन्च होने की बात की जा रही है। और सैमसंग ने भी रिसेंटली लॉन्च कर दी अपने सैमसंग A51 और सैमसंग A71। तो आज इस वीडियो में हम सैमसंग के A71 का ओप्पो रिनो 3 प्रो से कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों की जो प्राइस रेंज है काफ़ी सिमिलर है, गुड फीचर्स के साथ आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं डिज़ाइंस की और फीचर्स की, तो काफ़ी सेम है और आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा और आपको ये जानने मिलेगा कि दोनों में से बेटर स्पेसिफिकेशंस कौन सा फ़ोन देता है विद बेटर प्राइस। तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के मॉडर्न अनुसार क्या है, तो हम कंज्यूमर सबसे पहले मोबाइल का कैमरा और डिज़ाइन देखते हैं। तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के A71 के कलर्स की। तो हमें प्रिज्म ब्लैक, बाप ब्लू, पिंक और वाइट और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कलर्स देखने मिलेंगे सैमसंग A71 में। तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं ओप्पो रिनो 3 प्रो की। तो इस बार हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ग्रेडियंट्स देखने मिलेंगे, जैसे मूनलाइट ब्लैक, मिस्टी वाइट, नाइट स्काई ब्लू और सनराइज। अब जो कलर्स है काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, बट ये भी बात है कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और लुक के साथ आ रहा है ओप्पो रिनो 3। और ये मुझे कहने में झिझक नहीं होगी कि जो ओप्पो ने लॉन्च किया है अब तक के जितने फ़ोन्स, ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स के साथ आ रहा है और 2019 और 20 का वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन कहलाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो हमने बात कर लिया डिज़ाइंस की, तो अभी बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरास की। तो सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो रिनो 3 प्रो के कैमरास की। तो ओप्पो रिनो 3 प्रो आ रहा है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जो वर्टिकली अलाइंड होंगे स्टार्टिंग प्लस 2 मेगापिक्सल। बात कर लेते हैं सेंसर की, तो 686 सेंसर देखने मिलेगा जो अभी तक किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं किया गया है। ये एक फ्लैगशिप सेंसर है जो इसके कैमरा की क्वालिटी और बढ़ा देता है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कहलाएगा ओप्पो की तरफ से। अभी तक जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए ओप्पो ने, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कहलाने वाला है। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें देखने मिलेगा। हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी ओप्पो रिनो 3 प्रो में देखने मिलने वाली है। तो ऑन द अदर हैंड बात करेंगे सैमसंग A71 के कैमरा की, तो हमें 64+12+5+5 मेगापिक्सल के कॉम और कैमरा का सेटअप देखने मिलने वाला है विद डोमिनो। इस बार हमें डोमिनो सेटअप देखने मिलेगा सैमसंग A71 में, ठीक हमें आईफोन और गूगल पिक्सल 4 में भी देखने मिला था, ठीक वैसा ही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले की। दोनों ही फ़ोन आ रहे काफ़ी अच्छे डिस्प्ले के साथ, तो जहां ओप्पो रिनो 3 प्रो आ रहा है 6.5 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो सपोर्ट करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यूज़ कर रहा है ओप्पो रिनो 3 प्रो में। अमूमन ओप्पो अपने फ़ोन्स में इतने अच्छे स्पेक्स लाता नहीं है अगर बात कर ले प्राइसिंग की तो, बट इस बार काफ़ी अच्छे फीचर्स लाए ओप्पो ने। तो ऑन दी अदर हैंड सैमसंग हमें देता है 6.7 इंच की स्क्रीन विथ इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ठीक जैसा हमने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में देखा था। तो यहाँ पर सैमसंग की तारीफ करनी होगी कि एक ब्लैकशिप लेवल का डिस्प्ले हमें मिड वर्जन स्मार्टफोन में देखने मिल रहा है और हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल देखने मिलेगा। तो अगर डिस्प्ले की कंपैरिजन की जाए, अगर एकदम डीप में घुसा जाए, तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फ़ोन की लगभग सेम है। हालांकि सैमसंग A71 लिटिल बिट बेटर है, बट जो 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ओप्पो ने यूज़ किया है वहाँ पे हमें एक विनर मिल रहा है जो है ओप्पो रिनो 3 प्रो, जो सैमसंग में यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्क्रीन होगी, काफ़ी अच्छे जेस्चर होंगे और ओप्पो रिनो 3 का जो प्रो का जो डिस्प्ले है वो कंपैरिजन में सैमसंग A71 के डिस्प्ले से बेहतर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के चिपसेट के बारे में। तो ओप्पो रिनो 3 प्रो आ रहा है स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ जो फ्रेशली लॉन्च हुआ है कॉलकॉम की तरफ से। एक 5G चिपसेट है, 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट है और 2.3 GHz की स्पीड पे क्लॉक करता है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग A71 सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन 730 को विथ जो क्लॉक करता है 2.2 GHz की स्पीड पे एडिनो 618 के सपोर्ट के साथ। तो चिपसेट के मामले में क्लियर विनर ओप्पो रिनो 3 प्रो है, बट मैं हैरान हूँ सैमसंग ने बहुत ही कह सकते हैं कि अंडर रेटेड चिपसेट तो नहीं कह सकते, बट एक लो बजट चिपसेट यूज़ किया है। जितनी सैमसंग ने प्राइसिंग रखी है उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है स्नैपड्रैगन 730, बट ऑन दी अदर हैंड ओप्पो रिनो 3 जस्टिफाई कर रहा है अपनी प्राइसिंग को
और सैमसंग ने हमें यहाँ पे भी निराश किया है। बट ये एक बात और अच्छी है कि सैमसंग ने अपने जो प्राइसिंग है और बाकी सब चिपसेट को छोड़ के बाकी सब फीचर्स देखे तो काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए, बट यहाँ पे चिपसेट की जो है वो दिक्कत आ रही है। आगे बात कर लेते हैं हम दोनों ही फ़ोन्स के रैम सिस्टम की। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 प्रो आता है 8GB रैम विथ 128GB स्टोरेज, 12GB रैम विथ 256GB स्टोरेज। तो सैमसंग A71 आता है 6GB रैम और 8GB रैम विथ 128GB स्टोरेज। तो यहाँ पे भी ओप्पो काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स के साथ और स्टोरेज के साथ आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम दोनों ही फ़ोन्स के बैटरीज की। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 प्रो आ रहा है 4030mAh की बैटरी के साथ विथ 30W फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे सैमसंग A71 आ रहा है 4500mAh की बैटरी के साथ विथ 25W फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप सैमसंग लिटिल बिट बेहतर दे रहा है, बट यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ओप्पो रेनो प्रोवाइड करेगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बैटरी के मामले में। ऑन द अदर हैंड दोनों ही फ़ोन्स की अभी तक बैटरी बैकअप का कुछ डेटा लीक नहीं हुआ है, बट यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि जहाँ पे बात करेंगे अच्छा चार्जर प्रोवाइड करने की तो वहाँ पे ओप्पो ने प्रोवाइड किया है और यहाँ पे लिटिल बिट सैमसंग की जो बैटरी है वो ज़्यादा है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम दोनों ही फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम की। तो हमें दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने मिलेगा, जहाँ हमें ओप्पो में देखने मिलेगा कलर OS 7। तो यहाँ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो सैमसंग A71 में देखने मिलने वाला है सैमसंग वन UI 2.0। काफ़ी अच्छे अगर यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की चूज़ करने की बट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्सनल चॉइस है किसको ओप्पो रिनो 3 प्रो का कलर OS 7 अच्छा लगता है तो किसको सैमसंग वन UI 2.0 पसंद है। तो यहाँ हमने बात के लिए दोनों ही फ़ोन्स के फीचर्स की। बेटर फीचर्स की बात करूँ तो ओप्पो में काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है। प्राइस की बात कर तो दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस रेंज के अंदर आ रहे हैं, जहाँ सैमसंग का A71 आता है 35,000 से 37,000 के बीच के प्राइस रेंज में, तो वहाँ ओप्पो रेनो 3 प्रो के भी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो सेम है। तो अभी यहाँ पे जो फीचर्स बेटर प्रोवाइड किए ओप्पो ने अगर बात करें सैमसंग से, तो यहाँ पे मैं प्रीफर ओप्पो रेनो 3 प्रो करूँगा ओवर सैमसंग A71, क्योंकि इस बार क्वालकॉम का अच्छा चिपसेट यूज़ किया, बेटर कैमरा, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेंसर यूज़ किया गया है, बेटर बैटरी बैकअप तो सैमसंग ने दिया है बट यहाँ पे बेटर डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया, बेटर चिपसेट प्रोवाइड किया, तो और क्या चाहिए एक फ़ोन में। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ओप्पो रेनो 3 प्रो बेस्ट है, बट सैमसंग का A71 भी अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो ले लीजिए, ये भी ख़राब फ़ोन है नहीं। काफ़ी सारे मामलों में सैमसंग ने बहुत सारे अच्छे फ़ोन्स को बीट किया बट यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 प्रो को बीट नहीं कर पाया। बट आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैं बनाते रहता हूँ ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस हर रोज़, तो आपको ऐसे वीडियोस रोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मीडिया मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।